लेकिन जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा था कि हम लोग कुछ इस टाइप का वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि ना अभी के टाइम में काफी ज्यादा चल रही है, और मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप की जो वीडियो है उसको कैसे एडिट किया जाता है। ठीक है, तो यार आज फ्राइडे है ना, तो मेरे को नमाज पढ़ने भी जाना है, तो जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं और टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपने VN एप्लीकेशन के अंदर, और गाइस आप लोग जब इसके अंदर आओगे ना तो एक वाइट पेज को ओपन कर लेना। मटेरियल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटेन है, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। उससे पहले आप लोग वीडियो को देख लो ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक कहां पे यूज़ करना है एंड वीडियो किस तरीके से बनानी है, तो आपके लिए ना वीडियो बनाना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो बात रही यहाँ पे कि आप लोग स्टॉक से जाके डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद ना चौथे नंबर पे आप लोगों को एक गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर टैप करके ना आप लोग गैलरी के अंदर आ जाना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ना आप लोगों को अपने 16 या फिर 17 फोटो को ओपन करना है, जो भी अच्छा लगे। तो इस तरीके से गाइस मैं अपने 16 फोटो को ओपन कर लेता हूँ। ओके डन गाइस, तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने 16 फोटो को ओपन कर लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन गाइज ये वाइट पेज है ना हमारा सबसे एंड में आ चुका है, लेकिन हम लोगों को फ्रंट में करना है इसको। तो इसके ऊपर टैप करेंगे एंड टैप करने के बाद ना इसको अपना फर्स्ट पोजीशन में लेकर जाना है। इस तरीके से आप लोग लेकर आ जाना। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो इतना वर्क करने के बाद आप लोगों को ओरिजिनल पे जाना है, एंड जाने के बाद ना एक रेशियो मिलेगा 19:16 वाला, ये सिलेक्ट करके आप लोगों ने सेलेक्ट टू ऑल कर देना है। सेलेक्ट टू का मतलब सेलेक्ट टू ऑल का ऑप्शन तो नहीं है, शायद हो गया। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से ना आप लोगों को अपने सारे फोटो को कर लेना है, एंड करने के बाद आप लोग थोड़ा सा इधर जाना, एक म्यूज़िक का ऑप्शन मिलेगा गाइज, इसके अंदर आना। जो मैं म्यूज़िक आप लोगों को दे रहा हूँ ना उसी को ओपन करना है, तो यहाँ से चलते हैं म्यूज़िक के अंदर। तो गाइज ये रहा हमारा म्यूज़िक, हम लोग इसको ऐड करेंगे, एंड ऐड करने के बाद ना यहाँ पर आप लोगों को बीट को ऐड करना है। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो बीट है वो ऐड है, आप लोगों को मैं एज इट इज ही दे दूंगा, कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है यार, बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन टेंशन मत लो ना यार, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। तो आप लोग राइट पे क्लिक कर देना, एंड आपका जो बीट है ना गाइज यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से ना आप लोगों को बीट के अकॉर्डिंग अपने फ़ोटो को सेट करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करना मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, ये बीट है हमारा, इसके ऊपर मतलब यहाँ तक हम लेके जाएंगे। इसके बाद ना हमारा जो वाइट पेज है एक्स्ट्रा है, तो उसको हम लोग यहाँ से अपना डिलीट कर देंगे, या फिर इस तरीके से आप लोग छोटा कर सकती हो। तो ये जो चीज़ है ना हमारे बीट के अकॉर्डिंग इतना हो चुका है, तो ये हो गया पहला बीट मैच कर गया है। उसके बाद देखते हैं दूसरा बीट यहाँ पे है, तो हम लोगों को ना यहाँ पे रखना है। उसके बाद फोटो का जो रेशियो है कुछ इस तरीके से कम कर लेना है। तो दूसरा बीट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद सेम गाइस इसी तरीके से आप लोगों को जितने भी बीट इस वीडियो में दिखेंगे म्यूज़िक वाले में, सबको आप लोगों ने अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सारे को एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके डन गाइस, तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने अपने फ़ोटो के अंदर सारे बीट को ऐड कर लिया है। अभी आप लोग देख सकते हो जहाँ पर हमारा बीट है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने फ़ोटो को भी रखा है। तो सेम गाइस आप लोग भी इसी तरीके से कर लेना। और मैंने ना यहाँ पर 16 फ़ोटो का ऐड किया था जो कि लगा भी नहीं। ठीक है, तो गाइस आप लोगों का 12-13 फ़ोटो ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ऐड कर लेना। उसके बाद ना मैं थोड़ा सा यार म्यूज़िक सुनाऊंगा तो कॉपीराइट का इशू रहता है। चलो कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों के लिए कुछ भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को ना म्यूज़िक सुना देता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो बीट है हमारा फ़ोटो उसके अकॉर्डिंग लगा है कि नहीं, और जब हम लोग अपना ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी, और गाइस बीट के अकॉर्डिंग अपना ट्रांजेक्शन भी मूव करेगा। तो अभी आप लोगों को मैं म्यूज़िक सुनाता हूँ। तो
तो देखा गाइस इस तरीके से हमने अपने सारे फोटोज़ को ऐड कर लिया है। मुझे पता है अभी आप लोगों को उतना बड़ा डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा कि अच्छे तरीके से ऐड हुआ है कि नहीं, तो टेंशन मत लो यार, मैं अभी आप लोगों को बीट भी ऐड करके दिखाऊंगा। मतलब बीट तो ऐड कर लिया है, ट्रांजेक्शन को ऐड करके दिखाऊंगा। ओके तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पर वाइट पेज पर जाना, ओके और इसके बाद एफएक्स पे चले जाना। और एफएक्स पे इधर जाओगे ना तो गाइज़ अभी आप लोगों को ना ये जिटल वाला ट्रांजेक्शन मिलेगा, इसको ऐड कर देना है और इसका जो रेशियो आप लोग फुल कर देना इस तरीके से। इसको हम लोग टॉप पे लेके जाएंगे एंड जाने के बाद ना आप लोगों ने अप्लाई टू ऑल कर देना है, जिससे हमारा जो ट्रांजेक्शन का वर्क है वो सारे फ़ोटोज़ पर अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, देख सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या करना है, पहले फ़ोटो के ऊपर हमने ये जिटल वाला किया है, दूसरे फोटोज़ के ऊपर ना अभी आप लोगों को दूसरा वाला ट्रांजेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करना है, अभी गाइज आप लोगों को क्या करना है, ये पहला फ़ोटो हो गया, ये इसको हम लोग गिनेंगे नहीं, ठीक है, ये वाइट पेज को हम लोग नहीं गिन रहे, इसको छोड़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला फ़ोटो। दूसरा फ़ोटो ये है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है एंड अभी आप लोगों को एक एफएक्स का क्लिक मतलब ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप कर देना। अभी ये हमारा ना जिटर वाला अप्लाई टू ऑल है, सब पे होगा, तो इसको हम लोगों को चेंज करके गाइज स्पिन इन करना है आप लोगों को इस तरीके से और रेशियो फुल। ओके तो अभी आप लोग देख सकते हो पहले वाले पे हमारा जिटल है, दूसरे वाले पे स्पिन इन है, तो तीसरे पे होगा गाइज हमारा जिटल वाला, और इस तरीके से आप लोगों को चौथे पे करना है स्पिन इन। मतलब पहले वाले पे जिटल और दूसरे वाले पे स्पिन, पहले वाले पे जिटल और दूसरे वाले पे स्पिन इन। तो इस तरीके से आप लोगों ने गाइज सारे फोटोज़ को एडजस्ट करना है, तो मैं अभी कर लेता हूँ, आप लोग भी सेम इसी तरीके से करना। ओके डन गाइज, तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने अपने सारे इफेक्ट को ऐड कर दिया है, और वीडियो प्ले करके दिखाऊं अभी ना आप लोगों को इफेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मूव होता हुआ दिखेगा। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस हमारा ना इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप लोग गैलरी के अंदर आ जाना। अभी ना हम लोग थोड़ा सा एक वाइट विग्निटी वाला पीएनजी को एडजस्ट करेंगे तो फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो पिक्सार्ट वाले ऑप्शन के अंदर चलता हूँ और एक पीएनजी मैंने क्रिएट कर रखा है, इसको भी ना हम लोग फिल कर लेंगे एंड ब्लेंडिंग पे आने के बाद ना इसको भी कर लेना है स्क्रीन। और अप्लाई टू ऑल नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद ना आप लोगों ने अपनी पीएनजी के ऊपर टैप कर देना इस तरीके से और इसको एंड तक एडजस्ट करना। तो अभी आप लोग फोटो देख सकते हो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है एंड लिरिक्स ऐड करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम लोग लिरिक्स को ऐड करेंगे। ओके अगेन आप लोग यहाँ से अपना गैलरी वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना और एक मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, इसको ओपन कर देना। और ओपन करने के बाद ना अगेन आप लोगों को फिल कर देना है, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इसको करते हम लोग ऐसे और उसके बाद आप लोगों को एक ग्रीन स्क्रीन शो होगा, तो यहाँ पे जाना आप लोग क्रोमा पे। क्रोमा पे जाने के बाद ना ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेगा और इरेज कर देगा। उसके बाद ना आप लोगों को एक इंटेंसिटी मिलेगा, तो इसको आप लोगों ने 5% ही रखना है, ज़्यादा मत रखना और कम भी मत रखना, तो 5 बेट है मतलब बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ना आप लोगों को स्पिल पे क्लिक कर देना है, मतलब स्पिल 50% और फिर राइट पे क्लिक। ओके इतना वर्क करने के बाद एक हार्ट के पीएनजी है जो कि मूव करेगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ से चलते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर। देखो यार सारी पीएनजीज को इकट्ठा करने में और सबसे ज़्यादा मेहनत बताऊँ ना यार, सच बताऊँ तो अपना यार बीट को एडजस्ट करने में लगा है, सच में यार काफ़ी मेहनत लगती है यार, क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे को करना पड़ेगा। मैं ना चाहता तो आप लोगों को कहता कि अपने अकॉर्डिंग कर लो, लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ हैं जो कर लेंगे, लेकिन यार कुछ भाई है जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है कि बीट को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, तो उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम आती, तो इससे अच्छा मैंने कर लिया है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। अगर आप लोग एक्सपर्ट हो ना तो यार ये ज़्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 मिनट का काम है, इससे भी कम का काम है अगर आप लोग एक्सपर्ट हो तो, और आपका जो बीट है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने अपने हर्ट वाले पीएनजी को भी एडजस्ट कर लिया है। ओके और गाइज अभी ना हमारा जो वीडियो का प्रोसेस है और जो जितना भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी वर्क था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं वीडियो आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। बहुत बार प्ले कर दिया लेकिन एक और बार प्ले करता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार वीडियो सच में कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। तेरी
तो देखा ना गाइस, हमारी वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को वीडियो को बना लेना है गाइस। देखो कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, एकदम सिंपल प्रोसेस तरीके से, मतलब मैंने एकदम इजी वे में समझाया, आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो यार कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, भर दो यार कमेंट सेक्शन भर दो, मतलब फट जाना चाहिए इतना, भर दो ठीक है। और यार अभी ना हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, यार एक लाइक कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दो, और फाड़ दो कमेंट सेक्शन, फोड़ दो, जो करना है कर दो ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। और गाइस अगर आप लोगों को ना कोई टॉपिक मेरे को सजेस्ट करना है, तो कमेंट सेक्शन है, फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को।